नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC केलोंग में। तो आज हम खड़े हुए हैं चैल चौक में। तो चैल चौक में ये हमारी बस है सामने जाने वाली, और ये जाएगी मऊ सेरी होकर। चैल चौक से चलती है सुबह और सीधा निकलेगी ये मऊ सेरी मंडी होकर मंडी के लिए। तो इसके ऊपर देशराज पंडित जी हमारे वो निकल गए देसुभाई हॉर्न देते हुए, और उसके बाद ये खड़ी हुई है यहाँ पर जियोग जो यहाँ पर लोकल जाती है जांच की ओर, और ये ITI वाले कुछ छात्र संघ छात्र शक्ति, और उसके बाद ये बाया पंडो होकर जाएगी। ये भी मंडी के लिए जाएगी और इसका टाइम है 7:30 बजे। और ये है छतरी जिंजय अली छतरी की ओर भुला शिकारी माता के लिए जाने के लिए वैकल्पिक बस है ये सुबह 6 बजे। और है अनूप भाई इंतज़ार कर रहे कि बस हटेगी। यहाँ पर इनकी सब्जियों की दुकान है और यहाँ पर ये सब्जियाँ उतारेंगे, फ्रेश सब्जी लेकर आए अनूप भाई। बस देख रहे हैं कि कब आएंगे ड्राइवर साहब। तो इसके बाद छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो पीछे आपने देखी थी कुल्लू की स्टेटमेंट क्या दी थी लड़कों ने, कि सबसे बड़ी छात्र शक्ति है, परंतु ये छात्र मुझे लगता है बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेंगे। छात्र शक्ति रहेगी है बड़ी। क्या है तुम लोग? फ्यूचर है हम देश का। क्या फ्यूचर है? तुम ITI कर लो, फ्यूचर बाद में बनाएंगे हम। चलिए बहु चलते हैं अपनी बस की ओर, और उस्ताद जी भी पूरी तरह तैयार धूप का आनंद लेते हुए, क्योंकि सर्दियां चल रही है, सर्दियों का मौसम है अब अप्रैल के महीने। चैल चौक से निकलने के बाद इस रोड का काम चला हुआ जो मंडी के लिए जाता है शिकारी देवी के लिए चैल चौक डडौर। तो यहाँ पर हमें मिलती है JCB की खुदाई, यहाँ पर टिप्पर लोड हो रहे। तो भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये कार्य किए जा रहे। सहयोग करें। ये वही 4 लेन रहेगा सीधा, यहीं से ये मुड़ जाएंगे हम चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही चंडीगढ़ दिल्ली के लिए आगामी जाएंगे, तो अभी रोड बंद है, तो लगभग मई महीने में इसको खोल दिया जाएगा। तो हम निकलेंगे शिमला की ओर। तो आगे हम बीच में मिलते, देखते हैं अब कहाँ मिल पाते। बताया कि सुंदरनगर भी बस स्टैंड टच नहीं होगा, उसके बाद नहर चौक, तो नहर चौक भी टच नहीं होगा। देखते हैं जाम किस चीज़ का लगा, कुछ हाइड्रा जैसा लगेगा कि मशीनरी, HPMC वालों का ऑफिस है यहाँ पर। लगता है किसी बड़ी मशीनरी को उठाया जा रहा है यहाँ पर क्रेन के माध्यम से। ये HPMC वालों के गोडाउन है, और यहाँ पर जूस अचार वगैरह बनाते हैं। ये शायद मिक्सचर प्लांट आया हुआ है अब इनका। इसको उठाया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनरों के द्वारा, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में ये HPMC। तो हम आपको बात कर रहे थे कि जड़ोल पहुंचने वाले हैं, तो HPMC का फ्रूट जूस वगैरह अगर आप लेना चाहेंगे तो हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर लेते हुए आएंगे। आपको हर एक सुविधा चाहते हैं हम कि मुहैया करवाई जाए ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी, नो डिलीवरी चार्जेस रहेंगे हमारे, हम कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, परंतु हमारी बस जानी चाहिए वहाँ तक। और उसके बाद आ जाता है मंडी बस स्टैंड। मंडी बस स्टैंड से भी नहीं जाता 4 लेन, और कुल्लू से भी नहीं, सीधा मनाली टच होगा सिर्फ। चंडीगढ़ के बाद सिर्फ मनाली टच होगा बस स्टैंड, और बीच में नहीं होगा। तो ये जड़ोल से निकलते हुए, तो यहाँ पर भी अभी सवारियाँ बहुत ही कम शिमला की ओर जा रही है। तो क्योंकि पीछे छुट्टियाँ थी तभी लोग आ चुके हैं, जा चुके हैं, तो अब नहीं है समय लोगों के पास। अब जब छुट्टियाँ होगी तभी गैदरिंग बढ़ेगी, तो तब तक बने रहें दोस्तों हमारे साथ 4 लेन के साथ। इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर रोड बनाए जा रहे, देख सकते हैं आप। और यहाँ आता है संगम व्यू हमारे राइट साइड। जब हम शिमला से आते तो यहीं पर खाना खाते हैं, तो ज़रूर दर्शन करवाएंगे किसी दिन उसका भी। बसों में भी मिलते हैं गाना गाने वाले, काफ़ी टाइम बाद मिला है। चल गाना चेंज कर माता, तो
बचपन में चाचा आराम से सुनते हो। पुराना गाना गाब कोई सदा बार नकमा सुना आने से उसके आए बाहर ए वाला नहीं वे ओए ए वाला नहीं वे पुराना गाना गा कोई कौन सा स्टेशन लग गया हुआ तेरा ओए बिहारी नहीं बैठे हुए गाड़ी में तूने बिहार का गाना लगा दिया पहाड़ी गाना का कोई है पहाड़ी का चलो बुलावा आया है चलो बुलावा आया शेरावाली ने आता है तो सुन लिया कर चल कर शुरू कर तो सुन लिया कर फिर आ गाने गाने तूने बुलाया वो शेरावाली है तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा बीच बीच में हमारा मनोरंजन भी होता रहता है। चाचा रग मारते हो इसकी अच्छा गाना गाओ ये कोई इतना पैसा ऐसे थोड़ी इकट्ठा हो गया 10 रुपए इन्होंने भी दे दिए इन्होंने भी को सुनाई दिया चल का चल आई चल गाना शुरू कर दे किराया बाद में देना तू पहले गा ले किराया तो लेना ही पड़ना तो कुछ सोयो बंदे को मत जगा दूए तो कुछ इस तरह से हमें बसों में मिलते हैं बजाने वाले जो धीरे धीरे माता की भेंट हर एक प्रकार के गाना गाए जाते माई की फरमाइश थी ये दादी की फरमाइश स्पेशल ओल्ड बस स्टैंड वाले पुलिस वाले समझाते हुए कि सनरूफ के बाहर नहीं उड़ना है आप लोगों ने तो इस तरह से भी ध्यान दे जो बाहर से आए हुए लोग हिमाचल प्रदेश में सनरूफ बैन है और यहाँ पर बाहर निकलना ये कानूनन जुर्म है तो सपनों के शहर शिमला में पहुँच गए हम दिल्ली शिमला दियोट तो इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें रमेश भाई के साथ।